ओम शांति आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई रेखाओं के बारे में बतलाया वो कौन सी रेखाएं हैं और किस प्रकार हम उन्हें सदा चमकाए रखें सदा बढ़ाए रखें पहला है दिव्य जन्म की रेखा दूसरा परमात्म पालना की रेखा तीसरा परमात्म पढ़ाई की रेखा और चौथी रेखा है निस्वार्थ सेवा की रेखा जो हरेक ब्राह्मण के मस्तक पर सदा चमकती रहती है आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बरदान दिया है समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव जैसे साकार में एक पिता अपने बच्चों को अपना सब कुछ विल कर देता है ऐसे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम बच्चे अपना सब कुछ जिसको भी हम अपना समझते हैं जिसको हम अपना ख़ज़ाना अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं वो बाबा को विल करते हैं जितना हम विल करते हैं उतना हम में विल पावर आती है और जिसको विल किया जाता है उसे देने के बाद व्यक्ति के अंदर मोह समाप्त हो जाने लगता है बंधन भी ख़त्म होने लगते हैं क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा नहीं है इसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हमारे पास जो स्मृति का ख़जाना है समय का ख़जाना है संकल्पों का ख़जाना है ये बड़े से बड़ा ख़जाना है और ये संपूर्ण रीति से अगर हम बाबा को विल कर देते हैं विल करना अर्थार्थ जैसी श्रीमत है जैसा बाबा चाहते हैं जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है उसी अनुसार अपनी स्मृति के आसन पर हम टिकें मेरी स्मृतियाँ वैसी ही हों जैसी श्रीमत है मैं अपना समय श्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा में स्व उन्नति के लिए ही सफल करूं, अपने संकल्पों को मैं परदर्शन पर चिंतन में न लगाकर स्व स्वदर्शन सुदर्शन में अच्छे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करूं, तो जितना जितना हम श्रीमद् प्रमाण अपने खजानों को यूज़ करते हैं अर्थात विल करते हैं उतना हम बंधन मुक्त बन जाते हैं और हमारा मोह भी ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है निश्चिंतता आ जाती है कि बाबा संभालेंगे और साथ ही साथ मैं निश्चिंत हूँ मेरा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा और हमें एक का पदम हासिल होता है ओम शांति